रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एरा मेडिकल ने शुरू की है पोस्ट कोविड ओपीडी। बता दें एरा में ये पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की गई है। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी, जहां कोरोना से रिकवरी के बाद सांस लेने की दिक्कत या लगातार खांसी, बुखार या सीने में दर्द की शिकायत अब की जा सकेगी और इसके साथ ही उपचार वहां मिल सकेगा। बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना मरीजों के लिए सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, बता दें सोमवार से शनिवार के बीच ये ओपीडी जारी रहेगी और सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक इस ओपीडी में मरीज जा सकेंगे। बता दें कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए ये ओपीडी बनाई गई है, जहां पर कोरोना से रिकवर होने के बावजूद अगर मरीजों में सांस लेने की समस्या, बुखार, दर्द, इस तरह की समस्या अगर रहती है तो इस ओपीडी में जाकर आप शिकायत कर सकते हैं, इलाज ले सकते हैं, आपको इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। बता दें ये ओपीडी जो है पोस्ट कोविड मरीजों के लिए बनाई गई है, जिसकी अवधि आपको बता दें सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक के लिए ओपीडी चालू रहेगी। सोमवार से शनिवार तक के बीच ये ओपीडी में जा सकेंगे मरीज और इसी के साथ ही बेहतर उपचार मिल सकेगा। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ये ओपीडी चालू रहेगी। बता दें लखनऊ के एरा मेडिकल ने शुरू की है पोस्ट कोविड ओपीडी, जहां पर कोरोना से ठीक हुए मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। बता दें एरा में ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी, तो जो भी कोरोना के मरीज है मुफ्त में जाकर अपना इलाज यहां करवा सकते हैं। कोरोना से रिकवरी के बाद सांस की दिक्कत की समस्या जिन्हें है वो इस ओपीडी में जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कोविड से ठीक होने के बाद भी कई मरीजों में लगातार खांसी और बुखार जैसे लक्षण देखे जाते हैं, तो ऐसे मरीज अब पोस्ट कोविड ओपीडी में जाकर उपचार ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले लखनऊ में नॉन कोविड लोगों में भी ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिल रही है। पीजीआई में आए ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज, दोनों ही मरीजों को नहीं हुआ था कोविड-19। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से ब्लैक फंगस से जुड़ी सामने आ रही है, जहां ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवाओं की अब कमी पड़ने लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। आपको बता दें हाल ही में एक रिपोर्ट में डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि ज्यादा स्टीम लेने और स्टेरॉइड्स और इंजेक्शन लेने की वजह से ब्लैक फंगस का खतरा लोगों में बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए लगातार जो ब्लैक फंगस है उसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और ये ताजा मामला लखनऊ में पीजीआई से सामने आया है, जहां पर हाल ही में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हुए हैं और इस दौरान 2 फंगस के जो मरीज सामने आए हैं, पता चला है कि उन्हें कोविड हुआ ही नहीं था, कोविड हुए बिना ही वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कोविड से ठीक हुए मरीजों में ही ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जा रहे थे, ब्लैक फंगस उन्हें अपनी चपेट में ले रहा था। इसी के साथ ही विशेषज्ञों की तरफ से बताया ये जा रहा था कि ज्यादा ऑक्सीजन लगाने की वजह से और स्टेरॉइड्स देने की वजह से कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ये ब्लैक फंगस के लक्षण देखे जा रहे हैं। हालांकि अब जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, इसके बावजूद वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। बता दें लखनऊ में नॉन कोविड लोगों को भी हो रहा है कोरोना। पीजीआई में आए ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज, जिन्हें कोरोना हुआ ही नहीं था, फिर भी वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। दोनों मरीजों को नहीं हुआ था कोविड, फिर भी दोनों मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इंजेक्शन और दवाओं की कमी होने लगी। बड़ी खबर लखनऊ से ब्लैक फंगस से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं।